नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। हिंदी में संदेह अलंकार को कुछ यूं पढ़ाया जाता है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, नारी की ही सारी है कि सारी ही की नारी है। कुछ ऐसी स्थिति में मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद मोदी के फेर में घिर गए हैं। इस वक्त उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वे अपनी बात पर अड़िग रहे या देश की गिरती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए भारत के सामने झुक जाए। दोनों ही स्थिति में उनका अहंकार सामने आ खड़ा होता है, मगर भारत की तरफ से जो नया ऐलान हुआ है उसने महातिर के होश उड़ा दिए हैं। मोदी सरकार की तरफ से पाम ऑयल के आयातकों को पहले से ही निर्देश जारी है, यानी मलेशिया से पाम ऑयल आयात से पूर्व सरकार से लाइसेंस जरूरी कर दिया गया है। मगर ताजा निर्देश यही है कि मलेशिया से सभी आयातित उत्पादों के विकल्प के रूप में अन्य देशों से उत्पाद आयात किए जाए। इसका मतलब यह है कि दुनिया के सबसे बड़े बाजार से मलेशिया के पत्ते पूरी तरह काटने की तैयारी हो चुकी है। पाम ऑयल से मलेशिया को बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा अर्जित होती थी, मगर अब लगता यूं है कि भारत से मिले इस झटके को मलेशिया के लिए संभालना मुश्किल होगा। साथ में भारत ने मलेशिया से आने वाले सारे इंपोर्ट माइक्रो प्रोसेसर, तांबा, एल्यूमिनियम, वायर कंप्यूटर और टेलीकॉम प्रोडक्ट, टर्बोजेट, लिक्विड नेचुरल गैस पर भी कंट्रोल लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। मलेशिया से सालाना लगभग 10 अरब 80 करोड़ डॉलर का इंपोर्ट होता है, जबकि निर्यात इससे भी आधा यानी 5 अरब 80 करोड़ डॉलर है। मजे की बात यह है कि देश के जागरूक लोग लगातार सरकार को पाम ऑयल के साइड इफेक्ट के बारे में आगाह भी कर रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग भी एक एडवाइजरी जारी करने पर विचार कर रहा है। सवाल यह है कि हाल के महीनों से मलेशिया के महातिर मोहम्मद क्यों भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जबकि मलेशिया और भारत के संबंध ऐसे नहीं रहे हैं कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिद्वंदी देशों के रूप में जाना जाए। महातिर पहली बार जब 1981 से लेकर 2003 तक जब मलेशिया के प्रधानमंत्री थे, तब भारत में मलेशिया ने बड़े पैमाने पर निवेश किया था। बदले में भारतीय कंपनियों ने भी मलेशिया में आईटी से लेकर हेल्थ केयर और बैंकिंग में निवेश के साथ वहां नए वेंचर खोले। तो अब महातिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों वह अक्टूबर में अनुच्छेद 370 अरब सीए को लेकर भारत के खिलाफ मुकुर हुए हैं? दरअसल इसके पीछे महातिर की सियासी चाल मुस्लिम वर्ल्ड में मलेशिया को अगवा देश के तौर पर स्थापित करने की है। इस बार सत्ता में आने के बाद से वो लगातार इसी प्रयास में लगे हैं। हालांकि ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब लगातार इसकी काट में लगा हुआ है और वह महातिर को किसी भी लिहाज से कामयाब होते नहीं देखना चाहता है। पिछले महीने ही मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में वर्ल्ड मुस्लिम समिट का आयोजन हुआ, जिसमें दुनिया के सभी मुस्लिम मुल्कों ने हिस्सेदारी की। हालांकि सऊदी अरब के दबाव में पाकिस्तान ने खुद को इससे अलग कर लिया था, लेकिन इससे नजर आया कि मलेशिया तुर्की और कतर के साथ मिलकर मुस्लिम मुल्कों का एक मजबूत गठबंधन बनाने में लगा है। कश्मीर को लेकर बयानबाजी और पाकिस्तान के साथ गलबैयों को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। अगर मलेशिया की अंदरूनी सियासत की बात करें तो वहां मीडिया में आ रही खबरें बताती है कि महातिर को विपक्षी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में वो धर्म का पत्ता खेलने में लग गए हैं। जाकिर नाइक को मलेशिया में सुरक्षित रखने के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर कश्मीर और सीए को लेकर भारत विरोध इसी का नतीजा है। वैसे मलेशिया की असलियत भी पाकिस्तान से ज्यादा भिन्न नहीं है। मलेशिया का कानून और प्रशासन ऐसा है कि वहां रहने वाले गैर मुस्लिमों से दोयम दर्जे का व्यवहार होता है। नौकरियों से लेकर व्यवसाय और अन्य कामों में पग पग अन्य धर्म के लोगों के साथ भेदभाव भरी नीतियां नजर आती है। मलेशिया में करीब 1.5 लाख भारतीय एक्सपर्ट कुशल और अकुशल कर्मी के तौर पर वहां काम कर रहे हैं। कुछ वहां जाकर बस चुके हैं। अगर मलेशिया का यही रुख रहा तो मलेशिया के हाथ से भारत का बड़ा बाजार छिन सकता है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर गहरा आघात पड़ सकता है। मोदी सरकार मलेशिया को लेकर अपने रुख को लगातार कड़ा करती जा रही है। ताजा निर्देश मलेशिया को भारी पड़ सकता है, क्योंकि भारत तांबे और एल्यूमिनियम का बड़ा आयातक देश है। मलेशिया से इसके आयात के बंद होते ही पाम ऑयल इंडस्ट्री की तरह वहां की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में भी हाहाकार मच सकता है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि भारत द्वारा जिस प्रकार मलेशिया पर सख्ती बढ़ाई जा रही है, उसके पीछे महातिर मोहम्मद का पत्ता ही गोल करने की रणनीति काम कर रही है। इसके असर भी अब मलेशिया की घरेलू राजनीति में नजर आने लगे हैं।
विपक्षी दल अब एकजुट होकर मातृ सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं, यानी मातृ मोहम्मद की मुश्किलें मोदी से शुरू होकर अब मोदी पर ही खत्म होगी। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।